बच्चों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है गाइस। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के कैलकुलेशन द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट को आज सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स इसका वेटेज है, 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के अंदर इसका वेटेज है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि कैलकुलेशन द फॉलोइंग ये आपका ABT के अंदर भी पूछा जाता है। ABT क्या है? ABT यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये इंटरनल एग्जामिनेशन होता है बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। यानी कि बोर्ड एग्जाम जब आएगा उससे पहले आपका 20 मार्क्स का रिटर्न ABT लिया जाएगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिए 20 मार्क्स आपका ABT में ऑब्जेक्टिव से आपको मिल सकता है और 20 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम से मिल सकता है, राइट। तो दैट इज़ में आपका 40 मार्क्स यहीं पर कवर हो जाता है आउट ऑफ द 100 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो अपना लेक्चर्स है वो है एडमिशन्स ऑफ पार्टनर्स के कैलकुलेशंस पार्ट पे, राइट। तो इसके पहले भी जो हमने एडमिशन्स ऑफ पार्टनर्स है, ठीक है, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसके जो बेसिक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस पर मैंने पहले से ही पूरे चैप्टर वाइज पर वीडियो बना दिया हुआ है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना आए और कोई भी ऐसे प्रॉब्लम ना आए जिसके बेस पर आप सम्स को सॉल्व ना कर सके, ठीक है। अगर किसी भी सम्स में आपको डाउट आता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है एडमिशन्स ऑफ पार्टनर्स। वीडियो को रिफ़र कीजिए, समझिए कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो चलिए आज हम कैलकुलेशन द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन द फॉलोइंग में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:1, राइट। यहाँ पे सी इज द एडमिटेड, सी क्या होगा क्लास, एडमिटेड होगा एज अ न्यू पार्टनर्स इन द फर्म। देन इसके बाद क्या होगा, जो पार्टनर्स ए एंड बी है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सेक्रीफाइस करेंगे। तो ए सरेंडर 1/4 शेयर्स एंड बी सरेंडर 1/5 शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। यानी कि सी के लिए ए एंड बी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, 1/4 एंड 1/5 अपने प्रॉफिट या लॉसेस को अपना सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सरेंडर करना मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो आपको बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मतलब आपके तीनों पार्टनर्स यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे, ए बी एंड सी। तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होगा ये आपको बताना है, राइट। इसमें ए एंड बी ने क्या कर दिया हुआ है क्लास, सेक्रीफाइस कर दिया हुआ है। अगर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा हुआ है तो जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है क्लास, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जो सेक्रीफाइस होता है क्लास, सेक्रीफाइस रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रेशियोज एंड न्यू रेशियोज उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। मेरे पास पहले कितना रेशियो था, अब कितना हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। तो वो क्या किया मैंने, जितना भी डिक्रीज हुआ है उसको मैं बोलूँगा सेक्रीफाइस। मैंने न्यू पार्टनर्स के लिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सेक्रीफाइस कर दिया क्लास, राइट। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला याद रखो, ये आपके MCQ में भी आते हैं, ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स में भी आते हैं, एग्रीड एंड डिसएग्रीड में भी आता है। तो यहाँ पे ए एंड बी ने क्या कर दिया भाई, सरेंडर कर दिया, मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया भाई। यहाँ पे आपको ए एंड बी का अब सेक्रीफाइस वैल्यू गिवन है क्लास 1/4 एंड 1/5। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए आता है क्लास, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करके दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको न्यू रेशियो बताना है। तो सबसे फर्स्ट वन हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ए एंड बी ने एग्जैक्ट सेक्रीफाइस कितना किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे ओल्ड रेशियोज ऑफ ए एंड बी, ए रेशियो बी, ठीक है, ओल्ड रेशियोज ऑफ ए एंड बी हो गया। ए का ओल्ड रेशियो यहाँ पे देख सकते हो 1:1 पे, मतलब 1/2 रेशियो 1/2, ठीक है, यहाँ पे। देन इसके बेस पे हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। फर्स्ट ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे क्लास, ओल्ड रेशियोज इनटू सरेंडर वैल्यू। ए ने कितना किया हुआ है, 1/4 सरेंडर हुआ है यहाँ पे, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 1/8, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेक्रीफाइस कितना किया हुआ है, 1/8। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया क्लास, सेम 1/2 × 1/5, ठीक है, सरेंडर वैल्यू, तो मतलब 1/10। तो ए ने सेक्रीफाइस किया क्लास 1/8 का, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10 का, ओके। देन यहाँ पे इनका तो न्यू सेक्रीफाइस मतलब कि ये सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। देन अब इसके बेसिस पे हम सी का निकालेंगे, यहाँ पे इन द फेवर ऑफ क्या था, सी, मतलब कि सी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीज शेयर्स, ठीक है,
सी का शेयर कितना होगा। तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया हुआ है देखिए, प्लस जितना बी ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, ये दोनों का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा। यानी कि सी शेयर इक्वल टू ए शेयर प्लस बी शेयर, ए ने कितना अपना सेक्रीफाइस करके अमाउंट या जो प्रॉफिट है वो सी को दे दिया, एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस करके सी को दे दिया हुआ है। तो ए शेयर होगा क्लास यहाँ पे 18 प्लस बी का है 110, इसको कैलकुलेट करेंगे क्लास, प्लस करना है तो मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 8 अपॉन 80, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 18 अपॉन 80, और इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, डिवाइड होगा 2 से ये, तो दैट इज़ मीन 9 अपॉन 40। तो सी का शेयर कितना होगा क्लास, 9 अपॉन 40। लेकिन अब आपको बताने कि बी एंड सी का कितना होगा, क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑल द पार्टनर्स का। तो इसमें हम अभी ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर्स, तो ए का शेयर्स कितना आएगा वो देखेंगे हम लोग। ये सब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले, तो सी का शेयर मिल गया 9 अपॉन 40। देखिए मतलब 40 में से 9 किसको जाएगा, सी का शेयर जाएगा, तो ए को कितना जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का कैसा होगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस का रेशियो, ठीक है, यहाँ पे अब यूज़ करेंगे तो 1/2 इसका ओल्ड वैल्यू था क्लास, 1/2 ओल्ड रेशियोज था 1/2, ठीक है, उसमें सेक्रीफाइस कितना हुआ है 18, तो -18 राइट। यहाँ पे हमने क्या किया क्लास, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाइड किया है, लेकिन सेक्रीफाइस में से हम उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, ओल्ड न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, फिर इसमें से माइनस करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब 1/8, देन क्लास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर कितना आएगा, 8 - 2 / 8 = 16 राइट, इसको कहते हैं सॉल्व तो आएगा 6 / 16, पर अपने को कॉमन डिनोमीटर चाहिए 40 राइट ना, तो इसमें 40 करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास 6 and 16 को, तो इसको डिवाइड करने पे 3/8 आ जाएगा क्लास राइट। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 3/8, और इसको कॉमन डिनोमीटर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 3 × 5 = 15 और 8 × 5 = 40। तो देखो यहाँ पे मुझे 40 चाहिए था डिनोमीटर्स में, तो यहाँ पे 40 लेके आ गया, कैसे, कॉमन डिनोमीटर्स करने के लिए 8 × 5 = 40 होता है, तो डिनोमीटर्स में 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमीटर्स में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आएंगे क्लास बी शेयर्स, ठीक है, बी का शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सेम ऐसे करेंगे 1/2 - 1/10 बी का है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 2, ठीक है, 10 - 2 ऐसा क्रॉस हो जाएगा अपॉन 20, माइनस करने पे 8/20, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, क्योंकि डिनोमीटर्स में क्या 20 × 2 = 40 होगा, तो दैट इज मीन्स इसमें आंसर आएगा 16/40, ठीक है। तो इसमें आपको ए का मिल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी का मिल गया, एंड यहाँ पे सी का मिल गया क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ठीक है, न्यू रेशियो क्या आएगा, ए का 15, फिर बी का 16 एंड सी का 9, मतलब 15, 16 and 9 इनका रेशियो बनेगा राइट, न्यू रेशियो बनेगा। यहाँ पे हमने कैसे किया, बाय सरेंडर वैल्यू, ठीक है, सरेंडर की वैल्यू से हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है। आई होप क्लास की ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी आपको गिवन है कि अनिका एंड राधिका आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:1, ठीक है, ये जो 5:1 गिवन है यहाँ पे, ये हो जाएगा क्लास ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो किसका, अनिका एंड राधिका का, कितना आएगा 5/6 = 1/6, ठीक है, 5/6 कैसे आया, 5 यहाँ पे गिवन है, 5 + 1 किया तो 6 हो गया, और 1/6 हो गया, 5/6 = 1/6। दे डिसाइडेड टू एडमिट सानिका इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे सानिका एडमिट होगी 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग से। तो कैलकुलेट करना है आपको सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अपने पास ओ रेशियो माइनस न्यू रेशियोज, मतलब आपको ओ रेशियोज तो गिवन है क्लास, लेकिन आपको न्यू रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। याद रखिए न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे फर्स्ट वन चाहिए बैलेंस ऑफ वन,
ठीक है, या बैलेंस रेशियो बोल सकते हो आप इसको, सिंपल सा बैलेंस ऑफ वन या बैलेंस रेशियो। बैलेंस ऑफ वन कैसे निकालते हैं, वन माइनस ठीक है सेल्स ऑफ न्यू पार्टनर्स, सेल्स ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो दैट इज मीन्स में वन माइनस सेल्स ऑफ न्यू पार्टनर्स कितना है यहाँ पे, वन फिफ्थ देख सकते हो, वन फिफ्थ। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे फिफ्थ है प्लस फाइव है, फाइव को न्यूमेटर्स में माइनस कर दो, फाइव माइनस वन फोर, तो यहाँ पे लिखो फोर अपॉन फाइव, ठीक है। तो ये आ गया बैलेंस ऑफ वन या तो बैलेंस शेयर्स, ठीक है बैलेंस शेयर्स वन फोर्थ आ गया। देन अभी आपको न्यू रेशियो निकालना है फर्स्ट वन, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए इसमें, ओल्ड रेशियोज माइनस न्यू रेशियोज, ओल्ड रेशियोज आपको गिवन है एंड न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियोज इन टू बैलेंस रेशियो या बैलेंस शेयर्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्टनर्स का निकालेंगे अनिका का, अनिका इक्वल ठीक है, इसका ओल्ड रेशियो से अनिका का फाइव अपॉन सिक्स, इसमें से इंटू कर देंगे बैलेंस रेशियो फोर अपॉन फाइव, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी अपॉन फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, तो ट्वेंटी अपॉन थर्टी यहाँ पे न्यू रेशियोस आ गया, ये आ गया अनिका का। अब हम निकाल देंगे राधिका का, ठीक है नेक्स्ट वन कैलकुलेट करना है राधिका का। तो इसमें भी इसका वन अपॉन सिक्स ओल्ड रेशियोस है और बैलेंस रेशियो है फोर अपॉन फाइव, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर अपॉन थर्टी, तो हमें राधिका का न्यू रेशियो मिल गया। अगर मैं यहाँ पे न्यू पार्टनर्स जो से एडमिट हुआ है यहाँ पे, दे डिसाइडेड टू एडमिट सानिका, अगर मैं सानिका का यहाँ पे न्यू रेशियो निकालता हूँ तो क्या आएगा, सानिका इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो टोटल अपने पास कितना है, थर्टी है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कितना है थर्टी, टोटल थर्टी है जिसमें से ट्वेंटी गया राधिका के पास, सॉरी अनिका के पास, एंड फोर गया राधिका के पास, ठीक है। थर्टी में से ट्वेंटी हमने दे दिया भाई अनिका को एंड फोर दे दिया राधिका को, तो थर्टी में से ट्वेंटी फोर माइनस होगा तो सिक्स, ठीक है तो सिक्स अपॉन थर्टी ये किसका जाएगा, सानिका को, क्लियर समझा कैसा है। थर्टी में से ट्वेंटी माइनस किया तो कितना बचा, सिक्स टेन, टेन में से फोर माइनस किया तो सिक्स, तो सिक्स जाएगा सानिका को। तो इनका न्यू प्रॉफिट रेशियो आएगा, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आएगा क्लास यहाँ पे कितना आया, ट्वेंटी रेशियो फोर रेशियो सिक्स, अगर मैं इसको ऑल कॉमन नंबर टू से डिवाइड करूँ तो टेन रेशियो टू रेशियो थ्री, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करूँगा क्लास, तो इसमें आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिर्फ आपको किसका निकालना है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, ठीक है न्यू पार्टनर्स का कभी भी सेक्रीफाइस नहीं होता है, क्योंकि न्यू पार्टनर क्या कहता है, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस ले लेता है, ठीक है। तो अनिका का आएगा ओल्ड रेशियोज गिवन है इसमें फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है ओल्ड रेशियोज, एंड न्यू रेशियोज यहाँ पे गिवन है क्लास, या हमने कैलकुलेट किया हुआ है ट्वेंटी अपॉन थर्टी, ट्वेंटी अपॉन थर्टी, ओके। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो पहले चाहिए तो सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, या तो आप वैसे ही कर सकते हो विदाउट यहाँ पे कैंसिलेशन, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फाइव थ्री ज़ा फिफ्टी, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टी होता है, ठीक है फिफ्टीन सॉरी फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन मतलब 150 माइनस 120, तो 30 अपॉन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू थ्री 18 और एक ज़ीरो, ठीक है तो 30 अपॉन 18 यहाँ पे रहने देंगे। और अब पहले यहाँ पे हम राधिका का कैलकुलेट करेंगे, राधिका इसका आएगा 1 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 30, ठीक है तो 30 इंटू 1 30 एंड 6 इंटू 4 24, 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 अपॉन 30 सही 180, ओके। तो क्लास इनका जो सेक्रीफाइस आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो वो होगा 30 रेशियो 6, ठीक है अगर कॉमन नंबर 6 से डिवाइड कर दूँ तो 5 रेशियो 1, राइट। तो मुझे अनिका एंड राधिका का सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा 5 रेशियो 1, राइट, जो कि उनका और रेशियो ही था यहाँ पे, राइट, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम आएगा, राइट। तो क्लास इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है जिस पर आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवेन है प्रमोद एंड विनोद आर द पार्टनर्स, ठीक है। दो पार्टनर्स है प्रमोद एंड विनोद, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग किया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो मतलब प्रमोद एंड विनोद का रेशियो गिवेन है 3:2, एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ द रमेश द न्यू रेशियो ऑफ द प्रमोद विनोद एंड रमेश इज 4:3:2, राइट। तो फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियोज दे दिया गया है, जिसके बेसिस पे सीधा पूछा है कि आप बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ऐसे टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रैक्टिकल सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं या जो एग्जांपल अपने को सॉल्व करना होता है, ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, इस तरीके के स्टेटमेंट। तो कैसे सॉल्व करना है इसमें, सबसे फर्स्ट वन, इसके अंदर अगर हम देखें तो ओर रेशियोज गिवन है आपको, ठीक है, किसका, प्रमोद एंड विनोद का, प्रमोद रेशो विनोद, ठीक है, ऐसा लिखेंगे प्रमोद रेशो विनोद। तो इनका रेशो गिवन है 3:5:2:5। अब ये 3:5 एंड 2:5 आया कैसे, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ 3+2 कितना होता है 5, 5 में से 3 विनोद का है, सॉरी प्रमोद का है एंड 2 विनोद का है, तो 3:5 एंड 2:5, क्लियर। तो ये हो गया ओल्ड रेशियोज, बट आपको इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, प्रमोद रेशियो विनोद, फिर रेशियो न्यू पार्टनर्स रमेश। अब जो इनका रेशियो गिवन है वो यहाँ पे देख सकते हो 4:3:2 के फॉर्मेट में गिवन है। अगर मैं सबको ऐड करूँ तो 4+3 7, 7+2 9, मतलब 4:9:3:9:2:9, ठीक है, यहाँ तक। देन आपके क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो, तो मतलब आप यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो सेक्रीफाइस रेशियो का। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके। तो हमें सेक्रीफाइस किसका निकालना होता है, न्यू पार्टनर्स का कि ओल्ड पार्टनर्स का, तो डेफिनेटली हमेशा हम क्या कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमें कैलकुलेट करना है प्रमोद का और विनोद का, तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। अजय एक साइड इसमें लिखेंगे फर्स्ट वन प्रमोद, ठीक है, इक्वल टू प्रमोद का शेयर्स देखेंगे कितना होगा, ओल्ड रेशियोज कितना है यहाँ पे प्रमोद का 3:5, इसमें से हम माइनस करेंगे न्यू रेशियोज 4:9, ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 जा, ठीक है, 9 3 जा 27, फिर माइनस 5 4 जा 20 अपॉन, ठीक है, 5 9 जा 45, 27 माइनस 20 करेंगे तो 7:45 ये आंसर आएगा प्रमोद का। अगर मैं यहाँ पे विनोद का कैलकुलेट करूँ तो 2:5 इसका ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे, ठीक है, न्यू रेशियो से 3:9, यहाँ पे रखते हैं 3:9, ओके, 9 2 जा ऐसा करेंगे 9 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस, ठीक है, 3 5 जा 15 अपॉन 5 9 जा 45। अब मैं इसको माइनस करूँ तो 3:45 आएगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया है, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू 7:3। याद रखिए जो डिनोमीटर सेम हुआ है 45 45, वो आपको कंसिडर नहीं करना होता है, ओनली क्या कंसिडर करना है आपको 7 एंड 3, तो 7 एंड 3 सिर्फ आपको कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया हमें प्रमोद एंड विनोद का 7:3, इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना है क्लास, ठीक है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। तीनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर्स का एडमिशन्स ऑफ पार्टनर्स का A to Z वीडियो मैंने बना दिया हुआ है विथ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस, आप उसको देख के सीख सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है।